नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने सुना है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी सैफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो घायल हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात करने के साथ साथ बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि गरीबों की उपेक्षा हो रही है, मरीजों की उपेक्षा हो रही है, इस तरह की बात नहीं सुनी है। और तमाम जो परियोजनाएँ हैं सैफई में जिनका काम रोक दिया गया है, इसके अलावा देश में गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने ये हमसे मत पूछो, ये जनता से पूछो। और ये जो जनता खड़ी है इतनी दिखाई दे रही है, ये अस्पताल ना होता तो इन्हें झांसी जाना पड़ता, ग्वालियर जाना पड़ता, आगरा जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अब ये जनता बताएगी कि ये गठबंधन गरीबों की सेवा वाला है, गरीबों की मदद वाला है, कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसका है गठबंधन। अखिलेश यादव ये गांव वाले, ये सब तकलीफ वाले लोग आए हैं। किसी न किसी के कोई सदस्य बीमार है, कोई इलाज कराने आया है। ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, जैसे गांव में जानवर को गला घोंटू बीमारी हो जाती है, गांव वाले जानते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को काम रोको बीमारी है। कहीं काम चल रहा होगा वो रोकते हैं। और इन गरीबों का सब छीन लिया, पेंशन छीन ली, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल बर्बाद करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़ा जनता इनको सबक सिखाएगी। इस बार जनता तैयार है सबक सिखाने के लिए। है कि ऐसी घटना घटी है, हालांकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ड्राइवर और जो प्रशासन था उसको ध्यान रखना चाहिए था। अगर कोई गाड़ी 140 से 150 पे चल रही है तो आखिरकार हाईवे पे जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक्सप्रेसवे की पुलिसिंग बहुत ज़रूरी थी, और लोगों को हर जगह निर्देश देने थे कि तेज ना चलें, अच्छे चल ठीक से चलें, सुरक्षित चलें। लेकिन हाईवे को कोई देखने वाला नहीं, 100 किलोमीटर की जैसे 100 नहीं, ये जो बता रहे हैं कुछ वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, और जबकि 100 और 120 से ऊपर नहीं चल सकते हैं आप, तो आखिरकार देखेगा कौन। जो हाईवे पुलिसिंग का सिस्टम बनाना चाहती थी समाजवादी सरकार, उसको ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया। और उनकी दोहरी नागरिकता की बात आ रही है। देखिए ये हमें न जानकारी है कुछ, और हमें जानकारी न होने पर हमसे क्या पूछना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देश बर्बाद कर दिया है। ऐसी बर्बाद करने वाली पार्टी को जनता हटाएगी।